कि मैंने डाल के रखा है सागर पहले से, और बीच में स्क्रीन को टैप करना है। यहाँ पे किसी भी फेमस इंसान का नाम आपको टाइप करना है, जैसे कि मैंने टाइप किया है सलमान खान। फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास फ़ोटो है नहीं फिलहाल सलमान खान का। और यहाँ पे ऑनलाइन और टाइपिंग को एनेबल कर देना है नीचे, और सेव कर देना है। और फिर सलमान खान के चैट को ओपन करना है आपको, और यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ हाय भाई कैसे हो, और मैंने यहाँ पे इसे सेंड कर दिया। और सामने से आप ऊपर देख सकते हो कि सलमान खान भाई टाइप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा उनकी तरफ से बस ठीक हूँ तू बता। तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो इनकमिंग और आउटगोइंग का है ऑप्शन, तो मैं यहाँ से इनकमिंग सेलेक्ट करूँगा ताकि भाई टाइप कर रहे हैं, तो सेंड कर दिया। अगर आपने गलती से कोई मैसेज ऐसा वैसा भी टाइप कर दिया इसमें, तो आप उसे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, वेरी सिंपल। आर्चिव चैट, किसी भी चैट को अगर आप छुपाना चाहते हो तो उसे बस होल्ड कीजिए, और ऊपर आप देख सकते हो आर्चिव चैट, आप उसे क्लिक कर दीजिए, आपका चैट आपके चैट लिस्ट से गायब हो जाएगा। और उसे वापस पाने के लिए आपको सबसे नीचे जाना पड़ेगा आपके चैट के। अब जैसे नीचे जाओगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने लोगों को आपने आर्चिव किया हुआ है, तो यहाँ पे से वापस से सेलेक्ट कीजिए। और आपको अनआर्चिव करना है यहाँ से, तो बस अनआर्चिव कर दीजिए, वापस से ये आपके चैट लिस्ट में आ जाएगा, जैसे कि ये अब वापस से आ चुका है यहाँ पे। ब्लैंक टेक्स्ट, किसी को नंगा पोंगा मैसेज भेजना है, खाली खाली परेशान करना है, तो ये भी आप कर सकते हो। ब्लैंक टेक्स्ट मैसेज टाइप कीजिए आप, प्ले स्टोर में आपको ये मिल जाएगा इजीली। यहाँ पे आप एवरी कैरेक्टर विथ न्यू लाइन आप सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे कॉपी कर दीजिए और कैरेक्टर सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ 200 कैरेक्टर का, और यहाँ पे सेंड कर दूँगा व्हाट्सएप में। ब्लैंक मैसेज किसी भी चैट में जाके आप किसी को परेशान करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने इन्हें सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेंड कर दिया, तो देख सकते हो आप पूरा पूरा ब्लैंक मैसेज है। ये भी वेरी सिंपल। ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स, आपने कितने लोगों को ब्लॉक किया आपको खुद को याद नहीं, ताकि लोग आपको एसएमएस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे अकाउंट्स में जाइए, प्राइवेसी में जाइए, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स, आपको मालूम पड़ जाएगा आपने कितने लोगों को ब्लॉक किया। मैंने तो किसी को भी नहीं किया। चैट विदाउट एडिंग नंबर, बाकी आजकल ऐड करना बहुत तकलीफ का काम है, इसलिए बिना ऐड किए नंबर आप चैट कर सकते हो, जैसे कि मैं या भाई साहब का नंबर डाल कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ व्हाट्स मी में। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे नंबर डाल करने के बाद मैंने जस्ट ओपन चैट किया, और यहाँ पे मैं इन्हें हाई लिख देता हूँ, और ये आप मेरे चैट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो आपको नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लोन व्हाट्सएप, दो दो व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए आप पैरेलल स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हो, प्ले स्टोर में आसानी से अवेलेबल है ये भी। इसे चालू कीजिए और ऐड ऐप्स में जाइए यहाँ पे, और ये सारे के सारे सेलेक्ट होंगे पहले से, तो मुझे सिर्फ व्हाट्सएप है चाहिए, तो मैं बाकी को रीसेलेक्ट कर दूँगा, ऐड कर दूँगा पैरेलल स्पेस में, और ये ऐड हो चुका है। अब मैं इसे ओपन करूँगा यहाँ से, जस्ट ओपन। और ये मेरा व्हाट्सएप सेकंड यूज़ होना चालू, वेरी सिंपल। कस्टम नोटिफिकेशन, आपके कोई फैमिली मेंबर आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको जानना है कि किसने मैसेज किया, तो आप ऑप्शन में जाके यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टिक मार्क कीजिए और नोटिफिकेशन टोन में जाइए, आप उनके लिए स्पेशल टोन रख सकते हो, बदल सकते हो, कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन भाई साहब ने या इन बहन जी ने कि मुझे मैसेज किया है, या फिर मेरे फैमिली मेंबर ने मैसेज किया है, वेरी सिंपल। डिलीवर मैसेज, आप जानना चाहते हो कि आपके ग्रुप में आपका मैसेज किन किन लोगों के पास पहुंचा है, तो बस सेलेक्ट कीजिए और आई वाले आइकन को ऊपर दबाइए, तो आप जान सकते हो कि ये मैसेज किन किन लोगों ने कब कब पढ़ा है और किन किन लोगों ने नहीं पढ़ा है। डूडल फोटोज़, आप किसी भी फोटोज़ को डूडल यानी इमोजीज ऐड कर सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने कैरेक्टर के हिसाब से। आप ऊपर ही ऑप्शन देखते हो स्माइली वाला, आप उसे सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे इमोजीज मिलेंगे, आप किसी एक को भी सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया ऐसे ही और सेंड कर दिया बस। ईमेल चैट, आपको आपके किसी भी चैट का कन्वर्सेशन, सारा का सारा कन्वर्सेशन आपको किसी को ईमेल करना है, तो ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे मोर में जाइए, ईमेल चैट में जाइए। आप अगर विदाउट मीडिया डालना चाहते हो तो विदाउट मीडिया अटैच मीडिया के साथ, यानी फ़ोटो और वीडियो भी साथ में जाएंगे, पर मैं विदाउट मीडिया अटैच करूँगा जीमेल के साथ में। मैं इसे क्लिक करने के बाद मेरे जीमेल से मेरे जो चैट का कन्वर्सेशन है और सामने वाले के जीमेल में चला जाएगा उससे।
मुझे उसका जीमेल आईडी टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, और जैसे मैं सेंड करूँगा तो उस चैट के सारे कन्वर्सेशन वहाँ पे चले जाएंगे और वो इंसान बैठ के देख सकता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ये सबसे अच्छी बात है कि आपका चैट सबसे सिक्योर है, व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता आपके चैट। आपको जाना है ऑप्शन में, फिर आपको वहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एनक्रिप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे एनक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे QR कोड मिलेगा आपको, नीचे लिखा हुआ है स्कैन कोड, आप यहाँ पे स्कैन कोड पे क्लिक कीजिए और सामने वाले का जो व्हाट्सएप आप जिससे बात करते हो उसके व्हाट्सएप पे सेम प्रोसेस करके आपको उसका QR कोड स्कैन करना है, तो आपका दोनों का मैसेज एनक्रिप्ट हो जाएगा, ना ही व्हाट्सएप पढ़ सकता ना ही कोई भी पढ़ सकता, आपका मैसेज पूरा पूरा प्राइवेसी रहेगा। हाइड पर्सनल सीन, आप अपने पर्सनल सीन को हाइड कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट्स में, प्राइवेसी में, और यहाँ पे लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो, अबाउट, स्टेटस, आपको जो भी किसी को दिखाना है नहीं दिखाना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। माय कॉन्टैक्ट्स, आप जिस अपने कॉन्टैक्ट्स को दिखाना चाहते हो अपने कॉन्टैक्ट्स को दिखा सकते हो, या फिर तो किसी को नहीं दिखाना तो नोबडी कर सकते हो, और अगर सबको दिखाना है तो एवरीवन कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है, आप जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। हाइड मीडिया फाइल्स, अगर आपको आपके फाइल मैनेजर में या फिर गैलरी में आपके व्हाट्सएप इमेजेस वीडियोस सबको हाइड करना है, किसी को नहीं दिखाना, तो आप माय फाइल में जाइए, डिवाइस स्टोरेज में, व्हाट्सएप में, मीडिया में, यहाँ पे व्हाट्सएप इमेजेस में जाइए, सॉरी यहाँ पे आपको जाना है व्हाट्सएप वीडियो को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे रीनेम कर दीजिए उसको, और यहाँ पे व्हाट्सएप के पहले एक पॉइंट यानी सिर्फ एक डॉट लगाना है और उसको वापस रीनेम कर देना, तो यहाँ से व्हाट्सएप वीडियो गायब। ऐसे ही मैं व्हाट्सएप इमेजेस को भी करूँगा तो यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा दूँगा और इसे भी रीनेम करने के बाद ये भी गायब। आप गैलरी में देख सकते हो, इसकी मैं गैलरी ओपन करता हूँ, यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप इमेजेस गायब हो जाता है और वीडियोस भी गायब हो जाता है। ये तो फिलहाल ऐसे ही है, मेरे SD कार्ड का है व्हाट्सएप इमेजेस, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी शो नहीं कर रहा है। वापस से आप इसे वापस लाने के लिए सो हिडन फाइल कर सकते हो फाइल मैनेजर में, उसी जगह पे जाके और वापस से इसे रीनेम कर सकते हो और वो डॉट हटा सकते हो, तो वापस से ये अवेलेबल हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। हाइड नेम विथ होम यू आर टॉकिंग, आप किसी से चैट कर रहे हो और बाजू में आपके बैठा बंदा आप कोई देख रहा है कि आप इससे बात कर रहे हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपके उस चैट लिस्ट में किसी भी एक चैट को सेलेक्ट करना है, बस आप ऊपर देख सकते हो उसका नाम गायब हो सकता है, आप कुछ भी चैट करो बाजू में बैठा हुआ बंदा को भी नहीं मालूम पड़ेगा। हाइड ऑन लॉक स्क्रीन, जैसे आप बैठे हैं अगर बाजू में कोई बंदा बैठा है और आपके पास लॉक स्क्रीन में चैट आया तो चैट ऑटोमेटिकली दिख जाता है, तो इसे छुपाने के लिए क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स के अंदर एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन के अंदर व्हाट्सएप में जाना है, व्हाट्सएप में आपको नोटिफिकेशन में जाना है, नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे सो कंटेंट ऑन लॉक स्क्रीन, अगर आपको सो करना है आपके जो कंटेंट को लॉक स्क्रीन पे तो आप उसे ऑन रखिए, नहीं तो ऑफ कर दीजिए, और अगर व्हाट्सएप के मैसेज को सो ही नहीं करना है तो आप सो ऑन लॉक स्क्रीन को हटा दीजिए वहाँ से, उसे ऑफ कर दीजिए, तो व्हाट्सएप के मैसेज आपको स्क्रीन पे दिखेंगे ही नहीं। इमेज चेंजर, अगर आप किसी को उल्लू बनाना चाहते हो, जैसे कि कहते हैं ना लड़की का फोटो क्लिक करें तो बंदर निकलता है, वैसे इस टाइप के आप इमेज चेंजर में जाके आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक लड़की का फोटो चेंज किया ओरिजिनल इमेज में और प्रीव्यू में मैंने बंदर डाला है, तो सेंड कर दो। लॉक व्हाट्सएप चैट ओपन करो, लैंग्वेज सेलेक्ट करो, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए आप अपना, और पासवर्ड हिंट भी कुछ डाल दीजिए, जैसे कि मैं पासवर्ड हिंट सागर डाल देता और पासवर्ड मैंने 0000 डाला है, और यहाँ पे प्लस कीजिए। लॉक व्हाट्सएप चैट्स पे जाइए, यहाँ पे आपको जाएगा डायरेक्ट सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में चला जाएगा, और यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप चैट लॉकर को आपको यहाँ पे ऑन करना है, ऑन करने के बाद आपको फिर से वापस यहाँ पे चैट खोलना है, तो आप किसी भी चैट को लॉक कर सकते हो, जैसे कि मैंने राजू को लॉक कर दिया है यहाँ पे, अब जैसे कि मैं उसको ओपन करूँगा तो मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा सबसे पहले, तब ये खुलेगा। मीडिया ऑटो डाउनलोड होता है, या मैं किसी के कोई भी फोटो भेजता है वीडियो भेजता है तो डाउनलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको उसे सेटिंग्स में जाना है, डेटा यूजेस में जाना है, और यहाँ पे आपको सारे के सारे चीज़ों को डीसेलेक्ट करना है, अगर आप करना चाहते हो डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। पिन योर चैट्स, आप किसी से भी बात करते हो पर आपका जो पर्सनल चैट है सबसे टॉप पे रहना चाहिए, तो आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए, ऊपर पिन चैट है उसे दबा दीजिए, ये लेटेस्ट फीचर्स है व्हाट्सएप में अवेलेबल है, तो आपका चैट पिन हो जाएगा और आप किसी से भी बात करो तो पर ये पिन चैट सबसे टॉप पे रहेगा। पॉपअप नोटिफिकेशन ऐसा है कि आप अगर नॉर्मली आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपको व्हाट्सएप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कस्टम नोटिफिकेशन में जाइए, ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे यूज़ कस्टम नोटिफिकेशन में जाइए, पॉपअप नोटिफिकेशन में जाइए,
और यहाँ पे आप कर दीजिए ऑलवेज टू पॉपअप। तो आप जैसे ही आपके स्क्रीन पे होगा तो भी ये मैसेज आ जाएगा पॉपअप करके, बोल क्या हुआ। आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हो, व्हाट्सएप में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉपअप नोटिफिकेशन एक और फीचर है। व्हाट्सएप बबल जैसे कि पॉपअप नोटिफिकेशन था, वैसे ही इस टाइप का कुछ मैसेंजर टाइप का है। आपको इसे डाउनलोड करना है, एक्सटर्नली एक एप्लीकेशन है, इसे ऑन कर देना है आपको नोटिफिकेशन एक्सेस से। जैसे आप इसे ऑन करोगे ये ऑटोमेटिकली एक बबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये आई का सिंबल है, यहाँ पे आपको कोई मैसेज करेगा तो ये आई के जगह आपको आपका मैसेज दिखेगा। जैसे कि फिलहाल मेरे को किसी ने मैसेज किया नहीं है। क्योट मैसेज, ग्रुप में किसी ने आपको कुछ भेजा है तो आप उस चीज़ को सेलेक्ट करके उसको रिप्लाई कर सकते हो। उसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड का एक एरो दिखेगा ऊपर, उसके बाद आप यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे टाइप करके उसे सेंड कर सकते हो। तो जैसे ही बंदा सामने वाला उस चैट को टाइप करेगा तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि उसने इस चैट को रिप्लाई किया है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाला सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने उस चैट पर रिप्लाई किया है। सेंड जिफ, GIF आजकल बहुत फेमस हो चुका है, तो आप किसी भी वीडियो को किसी भी एक्शन को आप GIF बना सकते हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो ले लिया अपने WhatsApp वीडियो इस पकड़ लो, तो मैं इसे आप 6 सेकंड का कोई भी GIF बना सकते हो। उसे आपको क्रॉप करना है 6 सेकंड तक, आपको ऊपर आप देख सकते हो जैसे 6 सेकंड पे आ जाएगा वो GIF का ऑप्शन ऑटोमेटिकली शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं इसे GIF में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ इसे। सेंड फुल लेंथ वीडियो, अक्सर आप ज़्यादा लंबे वीडियो भेज नहीं सकते हो, तो क्या करते हो आप गैलरी में जाते हो, उसे सेलेक्ट करते हो कोई वीडियो को। अगर वो ज़्यादा मिनट का होता है तो WhatsApp आपको दिखाता है कि नहीं इतने मिनट का ही भेज सकते हो आप। तो उसमें क्या करना है, आपको कैमरे पे सेलेक्ट करना है और कैमरे पे सेलेक्ट करने के बाद वो वीडियो को सेलेक्ट करो और यहाँ से आप भेज सकते हो पूरा का पूरा लंबा वीडियो, चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो ऑटोमेटिकली। टैग पीपल इन ग्रुप, आप किसी स्पेसिफिक बंदे से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे @ टाइप कीजिए और आपको सारे के सारे ग्रुप के सारे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। आप उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कीजिए और उस बंदे को कुछ भी मैसेज कीजिए तो उस इंसान को मैसेज मिल जाएगा कि आपने उसे मैसेज किया है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो आजकल एक ट्रेंड बन गया है। जैसे कि आप 2 स्टार के बीच में अगर कुछ टाइप करते हो, जैसे कि तो मैं टाइप कर रहा हूँ स्टार बोल्ड, तो ये बोल्ड बन जाता है, या कुछ भी लिखो, मैं तो बोल्ड लिख रहा हूँ। और 2 अंडरस्कोर के बीच में आप कुछ भी लिखते हो तो ये इटैलिक बन जाता है। जैसे कि अब वापस से देख सकते हो इटैलिक। अगर आपको अलग अलग चीज़ें तरीके फॉन्ट चाहिए तो आप ये फॉन्ट लिरिक्स फॉर व्हाट्सएप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे पहले आप कुछ लिख लीजिए, आपको जिसे भी जिस तरीके से भेजना है। जैसे कि मैंने लिख दिया है और भाई कैसे कैसा है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है कोई भी उस हिसाब से, और मैं व्हाट्सएप पे जाके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो और भाई कैसा है, ये कुछ इस तरह से बन गया है। टैक्स रिपीटर, किसी को परेशान करना है तो व्हाट्सएप बबल का यूज़ कीजिए। व्हाट्सएप बबल आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करो या फिर कुछ भी आई लव यू भी लिख सकते हैं गर्लफ्रेंड को, बार बार जाएगा, बार 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 जाएगा। यहाँ पे आप उसे 1000 times कर सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद सेंड कर दीजिए। आप जैसे सेंड करोगे आप इसे, आप व्हाट्सएप में किसी को भी सेंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसे परेशान करने के लिए सेंड किया है, तो ये इस तरह से कुछ मैसेजेस बहुत टाइम 1000 times चले जाते हैं। 2-step वेरीफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके व्हाट्सएप के लिए। सेटिंग्स में जाइए आप, उसके बाद अकाउंट्स में जाइए, 2-step वेरीफिकेशन में जाइए। यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप को एक वेरीफिकेशन कोड दे दीजिए 6 digit का, ताकि आपके नंबर का व्हाट्सएप कोई दूसरा यूज़ ना कर पाए। आप जब भी व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे या फिर कोई भी इंस्टॉल करेगा तो उसे 2-step वेरीफिकेशन का पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको ही पता है। अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया है तो आप अपने आप को कैसे अनब्लॉक कर सकते हो, तो सिंपली सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट्स में, और यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट पे जाना है। पर ध्यान रखिए, आप डिलीट करोगे तो सारे के सारे मैसेज आप सारे ग्रुप से उड़ जाओगे, टोटली आपके सारे सारे चैट डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। आप जैसे डिलीट माई अकाउंट करोगे तो आपको डिलीट तो कर देगा, फिर वापस से आपको अपना व्हाट्सएप डालना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरे से अनब्लॉक हो जाओगे। भाई व्हाट्सएप वेब इतना फेमस है नहीं, पर ये लोग इसे हैकिंग भी कहते हैं, पर ये हैक नहीं भाई, व्हाट्सएप का अच्छा फीचर है जो कि आप 2-2 फोन में अपना व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, 3rd number पे व्हाट्सएप है, यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा। यहाँ पे जैसे कैमरा खुलोगे अब दूसरे फ़ोन से आप क्या करो, यहाँ पे टाइप करो व्हाट्सएप स्कैन फॉर व्हाट्सएप वेब। यहाँ पे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक
QR कोड मिल जाएगा इस QR कोड से, उस कैमरे से आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन कर दोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस WhatsApp का यहाँ पे एक और WhatsApp बन जाएगा, ताकि आप यहाँ से भी किसी को भी मैसेज कर सकते हो। तो इसे लोग हैकिंग भी कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये हैक नहीं है, WhatsApp एक अच्छा फीचर है। तो एट लास्ट एक और है, जो कि अगर आप किसी के भी फ़ोन को बिना छुए उसके WhatsApp को हैक करना चाहते हो